जय माता दी। नमस्कार सबको, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। मेरी वीडियोस में बताई गई बातें और मेरी वीडियोस में सुझाव दिए गए, वीडियोस में उपाय बताए गए, आपको उनको पसंद आ रहे होंगे और आशा करती हूँ कि उनसे आपको लाभ भी बेहद पहुँच रहा होगा। जितने भी मेरे वीडियोस को चाहने वाले हैं, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स किए हैं, तो आशा करती हूँ कि माता रानी की पूरी कृपा आप सभी के जीवन में बनी रहे। और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को शुरू करती हूँ। जो आज की मेरी वीडियो है उसका टाइटल आप सब देख चुके होंगे, वो टाइटल ये है कि हरी इलायची आपके लिए गुड लक का काम कैसे कर सकती है। देखिए, गुड लक जो है सिर्फ और सिर्फ पैसों में ही ज़रूरी नहीं है। लाइफ में बहुत सी ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहाँ पे इंसान को कहते हुए आपने सुना होगा कि इसका यहाँ पर तो लक चल पड़ा, चाहे वो पैसों को लेकर हो, चाहे हेल्थ को लेकर हो, कि अचानक से किसी का काम बन जाना या पास हो जाना एग्ज़ाम में। तो कई चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर उसका लक चल पड़ता है। इसलिए कभी भी आप कोई इंपॉर्टेंट चीज़ करने जाते हैं तो आपने सुना होगा कि आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव्स, आपकी फैमिली आपको गुड लक कहती है, विश करती है या बेस्ट ऑफ लक कहती है। इसलिए क्योंकि वो उनको एक तरीके की विश से वो चाहते हैं कि जो उनके थॉट्स हैं वो आप तक पहुंचे, जो उनकी विशेज हैं वो आप तक पहुंचे, कि आपका जो लक है वो चल पड़े। तो लाइफ में जितनी भी स्टेजेस होती है, स्पेशली जो इंपॉर्टेंट स्टेजेस होती हैं, उसमें हर व्यक्ति चाहता है कि उसका लक चले। जहाँ पर 10 जने खड़े हैं वो चाहते हैं कि हमारा प्रमोशन चले, तो एक लक चल पड़ता है। मेहनत तो देखिए होती है, सबने की होती है, लेकिन लक जो होता है ना, मेहनत एक मजदूर भी करता है, किसान भी करता है, लेकिन लक के जरिए ही वो आगे निकल जाता है। किसी किसी का लक ऐसा होता है कि वो उसका काम ज़्यादा चल पड़ता है किसी और दूसरे कामों से। तो आपने लक को कैसे बढ़ाना है, लक के जरिए अपने पैसों को, अपनी हेल्थ को, अपनी लव लाइफ को, हर चीजों में लक का होना जरूरी है। आपकी लव लाइफ है तो भी आपकी लव लाइफ में भी आपका लक का बने रहना जरूरी है, आपकी हेल्थ में आपका लक का बने रहना जरूरी है। इसीलिए ही जो आज की वीडियो है आपके गुड लक को बढ़ाने के लिए, आपके पैसों को बढ़ाने के लिए, आपके ऐशो आराम की जिंदगियों को बढ़ाने के लिए है। तो आपने करना क्या है वो शुरू करते हैं। और इसके जो उपाय हैं ये हरी इलायची से जुड़े हुए हैं। हरी इलायची जो है वो बुध ग्रह से जुड़ी हुई है, क्योंकि वे हरे रंग की चीज़ है और हरे रंग का उपाय तो बुध ग्रह के लिए किया जाता है, अपने बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए किया जाता है। बुध ग्रह हमारे गुड लक को बढ़ाता है, हमारे लक को बढ़ाता है और साथ साथ हमारी बुद्धि को भी बढ़ाता है। तो आपने उपाय क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। जो पहला उपाय है आपके गुड लक को बढ़ाने के लिए, आपके पैसों को बढ़ाने के लिए, वो ये है कि आपने अपने पर्स में, चाहे वो लेडीज हैं चाहे वो जेंट्स हैं, अपने पर्स में दो इलायची रखनी ही रखनी है। ये आपने बुधवार की सुबह रखनी है पर्स में अपने। हरी इलायची का ये जो उपाय है ये आपको गुड लक देगा। इसके साथ साथ आपका कभी भी पर्स खाली नहीं रहेगा, आपके पर्स में पैसे होंगे ही होंगे। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपका पर्स, ये उपाय करने के बाद आपका पर्स कभी भी खाली हो, ऐसा कभी नहीं होगा। तो ये उपाय आपने बुधवार के दिन करना है सुबह के वक्त, और उसके बाद हरी इलायची रखनी ही रखनी है, लाइफ टाइम अपने पर्स में रखनी है। अगर आप नया पर्स लेते हैं या पर्स मतलब कई कई लेडीज की देखिए कैसे होती है, उनके पास बहुत सारे पर्स होते हैं, कभी कोई पर्स ले गई, कभी कोई पर्स ले गई। तो अगर ऐसी सिचुएशन है आपके पास तो अपने पर्स के अंदर एक छोटा सा वॉलेट रख ले, जिसमें कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स होते हैं या कैश होता है। बड़े पर्स के अंदर भी एक छोटा वॉलेट आ जाता है, तो वो वॉलेट के अंदर आप अपना इलायची जरूर रखें, क्योंकि बार बार पर्स बदलना भी, आप बदलते रहिए। देखिए अपने सूट्स के साथ या अपनी मतलब अगर आपको शौक है तो बदले, लेकिन उसके अंदर एक छोटा सा वॉलेट चाहे रख लीजिए, जो बदलना ना पड़ेगा आपको, उसके अंदर आप एक हरी इलायची जरूर रखिए। तो ये चीज आपने करनी चाहिए। जेंट्स भी अपने वॉलेट में दो हरी इलायची जरूर रखे, और लेडीज ने भी दो हरी इलायची रखनी है बुधवार की सुबह, और उसको लाइफ टाइम आपने रखे रखना है। नया पर्स अगर आप सिर्फ वॉलेट नया लेना चाहते हैं तो नए वॉलेट में भी वही सेम इलायची आपने उस वॉलेट में भी डाल देनी है। तो ये पहला उपाय है जो आपने करना है। दूसरा उपाय आपने करना है, मैं आपको बताती हूँ, अगर आप लेडीज हैं, अगर आप जेंट्स हैं, आप डेली देखें काम पर जाते हैं तो काम पर जाने से पहले डेली सुबह के वक्त आपने हरी इलायची मुंह में खा कर, यानी कि मुंह में चबा चबा कर ही अपने घर से बाहर निकलना है। ये सुबह के वक्त करना है और डेली करना है।
इसकी शुरुआत देखिए, हर चीज़ की शुरुआत होती है, तो ये चीज़ की शुरुआत भी आप बुधवार के दिन से अगर करेंगे तो आपके लिए बहुत लकी बात हो जाएगी। तो बुधवार के दिन से ये शुरुआत करें, उसके बाद लाइफ टाइम ये नियम बना लें कि आपने घर से बाहर जब भी निकलना है तो हरी इलायची खाकर ही निकलना है। इसमें क्या होगा, इसमें हर एक काम आपका बनेगा, जो भी काम से आप बाहर जा रहे हो, अगर कमाने के लिए, कोई भी और अदर रीजंस के लिए अगर बाहर जा रहे हो, या कोई केस के लिए जाता है, कोई रिजल्ट के लिए, कोई एग्जाम के लिए, तो ये गुड लक माना जाता है। आपने हरी इलायची, चाहे बच्चे हैं चाहे बड़े हैं, एक हरी इलायची तो खाकर जाना है। और एक और चीज़ मैं आपको इसमें बताती हूँ, इसी में ऐड कर रही हूँ, अगर आप बहुत ही कोई इंपॉर्टेंट चीज़ के लिए बाहर जा रहे हैं, जो आप चाहते हैं कि आपके हक में हो, अगर प्रमोशन के लिए जा रहे हैं, आप चाहते हैं कि वो चीज़ आपके लक में हो, अगर आपके हित में हो, अगर आप किसी केस के लिए जा रहे हैं, अगर आप रिजल्ट के लिए जा रहे हैं, अगर आप एग्जाम के लिए जा रहे हैं, मतलब अगर शादी के रिश्ता ढूंढने जा रहे हैं या शादी के लिए जा रहे हैं, मतलब कोई बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग के लिए अगर आप जा रहे हैं, आपने वही चीज़ करनी है, हरी इलायची खाकर जाना है। लेकिन इसके साथ आपने एक मंत्र बोलना है, आपने बोलना है श्रीम श्रीम, ये आपने दो बार बोलना है, राइट हैंड में, अपने राइट हैंड जो होगा उसमें हरी इलायची दो ले लेनी है, उसमें श्रीम श्रीम दो बार बोलना है, और वो खाकर आपने चबाकर अपने घर से बाहर निकलना है। ये चीज़ जो श्रीम श्रीम का मंत्र है तब करना है जब आप बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट काम के लिए बाहर जा रहे हो, जो आप चाहते हो कि आपके हक में हो, या आपके लिए बहुत बड़ा दिन हो जिस दिन, तो ये चीज़ करके जानी है आपने, उसी दिन करनी है बस। और उसके अलावा आपने जो इलायची वो रोज़ काम पर जाने से पहले देखे खाकर ही जाना है। तो ये दूसरा उपाय है। अब बढ़ते हैं तीसरे उपाय के लिए। तीसरे उपाय में आपने बुधवार के दिन, देखिए ये जो उपाय है ये पति पत्नी के बीच में रिश्ता मजबूत करने के लिए है, क्योंकि हस्बैंड वाइफ के बीच भी एक लक होना ज़रूरी है। हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर लक रहता है तो प्यार बना रहता है, रिश्ता मजबूत रहता है। तो हर एक चीज़ में देखिए मैंने कहा लक बहुत ज़रूरी है। अगर हस्बैंड वाइफ आपस में अपना रिश्ता मजबूत करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, ये स्पेशली वाइफ के लिए है, इससे बढ़ेगा, दोनों का ही रिश्ता मजबूत होगा, प्यार बढ़ेगा दोनों में ही। इसमें आपने करना है क्या, जो लेडीज़ हैं वो कोशिश करें कि अगर बाकी दिन सूट नहीं डालती हैं तो वेडनेसडे के दिन ज़रूर सूट डालें, या अगर जीन डाल रही हैं तो एक दुपट्टा ज़रूर लें अपने साथ। तो उस दुपट्टे के बिल्कुल, जैसे ये दुपट्टा है, उस दुपट्टे के बिल्कुल कोने में यहाँ पर आपने दो हरी इलायची रखनी है और उसकी ऐसे गांठ मार देनी है, सुबह से लेकर छोटी सी गांठ मार देनी है, सुबह से लेकर रात तक आपने ऐसे ही गांठ मार रखनी है। और जब आप सोने वाले होंगे अपना खाना वगैरह डिनर करके, जब आप सोने वाले होंगे तो वह गांठ खोलकर एक इलायची आपने अपने हस्बैंड को खिला देनी है और एक इलायची आपने खुद खा लेनी है। ऐसा कम से कम आपने चार बुधवार करना है, तो देखिएगा आपका रिश्ता बहुत अच्छा मजबूत होगा, आपका मतलब एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग में अच्छी निकलेगी, लक बढ़ेगा दोनों का, बहुत बढ़िया तरीके से दोनों का लक बढ़ेगा और दोनों के बीच प्यार भी बढ़ेगा। तो ये चीज़ आपने करनी है। अब अगली चीज़ है, चौथी चीज़ है, वो आखिरी है इस चीज़ की जो आपने करनी है, जो आपने महीने में बस एक बार करनी है, जो आपकी गुड लक को सोने की तरह चमका देगी। इसमें आपने क्या करना है कि देखिए आपको स्टॉल्स दिखते हैं चाय वाले, जो चाय बेचते हैं, महीने में सिर्फ एक बुधवार हर महीने में एक बुधवार आपने इलायची का चाय, छोटा पैकेट 10 रुपये वाला ही, उस चाय वाले को दे देना है, ताकि वो चाय मतलब उसमें यूज़ कर सके और लोगों को पिला सके। इससे आपको पुण्य भी मिलेगा, आपका गुड लक भी बढ़ेगा, आपके पैसों की बरकत भी होगी और आपकी किस्मत भी खुल जाएगी। देखिए किस्मत, कोई पैसे नहीं लग रहे आपके ज़्यादा, सिर्फ एक रसोई में पाई जाने वाली हरी इलायची ऐसे उपाय बता देगी जो आपकी किस्मत को बहुत अच्छे तरीके से चमका देगा। तो ये चीज़ें आपने करनी है जो आपके लिए गुड लक लेकर आएगी, गुड लाइफ लेकर आएगी, गुड हेल्थ लेकर आएगी, गुड लव लाइफ लाएगी, हर चीज़ आपके पास होगी जो चीज़ आप चाहते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, इसे कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।